नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। जब आप इज़राइल, ईरान, लेबनान, सीरिया इन सब देशों के बीच में जब आप आपस के संबंधों के बारे में बात करेंगे तो आप काफ़ी कंफ्यूज कर जाएंगे कि एग्जैक्टली कहानी को शुरू कहां से करना है। जो अभी का सिचुएशन हो रखा है इज़राइल और लेबनान के बीच में वो ये है कि 7 अक्टूबर 2023 यानी कि पिछले साल से शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जिस दिन बॉर्डर पर यानी कि जो लेबनान और इज़राइल का बॉर्डर है वहाँ पर बमबारी ना किया गया हो, क्योंकि इज़राइल को सपोर्ट किया जा रहा है यूएस के द्वारा और भी बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा और साथ में यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा भी। तो जो इज़राइल का पल्ला है वो काफ़ी भारी है। लेकिन अगर आप इस पूरे घटना को बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ तो डेफिनेटली समझ में आएगा, वो ये है कि यूएस एज एन ग्लोबल सुपर पावर वो कम्प्लीट तरीके से फेल हुआ है। और अगर 7 अक्टूबर के बाद से ये अगर ये एस्केलेशन अभी भी बढ़ रहा है या चल रहा है तो इसके पीछे जो एक सिंगल मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी देश की बनती है तो वो यूएस की बनती है। वैसे तो इज़राइल एज एन कंट्री ये ऑलमोस्ट हर वक्त ही अलर्ट पे रहता है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो सिचुएशन था वो और भी ख़राब हुआ है। अगर हम बीते रोज़ के बारे में बात करें तो हिज़्बुल्लाह, जिसको कि ऑलमोस्ट वो सभी देश एज एन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं या डिक्लेयर कर चुके हैं, जिनके संबंध इज़राइल के साथ अच्छे हैं, वहीं पे कुछ वैसे देश जिनके संबंध यूएस या इज़राइल के साथ अच्छे नहीं हैं, वो हिज़्बुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ना बोल के वो उसको एज एन रेजिस्टेंस ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ जो पर्सनली मैं मानता हूँ वो ये है कि अगर आपको सच में इज़राइल पैलेस्टीन या इज़राइल ईरान के बारे में अगर आपको समझना है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इतिहास के पन्ने को पलटें और चीज़ों को बहुत ही सिस्टमैटिक और न्यूट्रल तरीके से समझें। अगर हम बीते रोज़ के बारे में बात करें तो लगभग 300 से भी अधिक रॉकेट्स दागे गए हैं हिज़्बुल्लाह के द्वारा। हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा, क्योंकि इज़राइल और ईरान के बीच में काफ़ी एक लंबा डिस्टेंस हो जाता है और इस बीच बहुत सारे कंट्रीज़ हो जाते हैं, तो ईरान के पास वो कैपेसिटी कह ले या वो उसके पास एडवांटेज नहीं है जो एडवांटेज हिज़्बुल्लाह के पास में है। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर हम इस मैप को देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे लेबनान है और यहाँ पे ये इज़राइल है और ये लगता है बॉर्डर, क्योंकि जो हिज़्बुल्लाह है वो लेबनान से बिलोंग करता है और वो मेजरली जो अटैक करता है वो सदर्न हिस्से का इस्तेमाल करके वो अटैक करता है आपका इज़राइल में। और वहीं पे अगर हम बात करें ईरान के बारे में तो ईरान कुछ यहाँ के आसपास पड़ता है। किसी भी तरीके से अगर ईरान ये सोचेगा कि उसे डायरेक्टली अटैक करना है इज़राइल के ऊपर तो उसे बहुत सारे देशों का जो एयर स्पेस है उसको यूज़ करना पड़ेगा, तो ईरान वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि उस एयर स्पेस में हो सकता है उस वक्त कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह जा रहे हो या किसी भी तरीके से डोमेस्टिक फ्लाइट्स जा रहे हो। तो कोई भी देश कभी भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो कोई भी सिविलियन प्लेन को वो टारगेट करे। तो इसीलिए भी जो ईरान करता है वो यही करता है कि उन सब देशों में जो ग्रुप्स हैं जिसके संबंध इज़राइल के साथ अच्छे नहीं है उसको वो सपोर्ट करता है। मे बी वो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है या मे बी वो मिलिट्री तौर पर सपोर्ट करता है या यूं समझ ले कि पॉसिबली हर तरीके से सपोर्ट करता है। और इसीलिए हिज़्बुल्लाह के बारे में ये कहा जाता है कि भले ये एक छोटा ग्रुप है या कंपेयर टू इज़राइल ये कमज़ोर है, लेकिन जो सबसे मैक्सिमम डैमेज है वो हिज़्बुल्लाह ही कर सकता है। और जहाँ तक बात किया जाए इज़राइल का एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि इज़राइल एज एन कंट्री इसकी जो टेक्नोलॉजीज़ है वो काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी एडवांस है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में तो उसको ऑपरेट करने का जो कीमत है वो काफ़ी निकल जाता है। और अगर वहीं पर अगर हम हिज़्बुल्लाह के बारे में बात करें तो अगर ये कोई सस्ता रॉकेट्स को भी अगर दागता है तो उसको रोकने के लिए इज़राइल को एक्टिवेट करना होता है अपना एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसको अगर आप लमसम कुछ ये समझ लें कि आप 5 रुपये का रॉकेट दाग रहे हैं और उस रॉकेट को गिराने के लिए इज़राइल को खर्चा करना पड़ रहा है 100 रुपया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर कोई भी देश वॉर में बना रहता है तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट पड़ता है उस देश की इकॉनमी के ऊपर। इनका नाम है हसन नसरल्ला और ये हिज़्बुल्लाह के चीफ हैं। तो कहने का मतलब है कि बीते कुछ सालों में अगर आप एटलीस्ट 5 सालों की यहाँ बात कर लें तो इज़राइल बहुत ही टारगेटेड तरीके से उन सब देशों पे अटैक किया है या लीडर्स को टारगेट किया है जिनके संबंध इज़राइल के साथ अच्छे नहीं है। चाहे आप हमास के बारे में बात कर लें, चाहे आप ईरान के बारे में बात कर लें, या किसी भी तरीके से आप लेबनान या आप स्पेसिफिकली आप हिज़्बुल्लाह के बारे में बात कर लें। तो एक आप सिचुएशन को इमेजिन करें कि आप एक ग्रुप है, आपके ऊपर डायरेक्टली अटैक किया
किया जा रहा और वो अटैक्स मल्टीपल टाइम्स किया जा रहा, तो अगर आप किसी भी तरीके से उस अटैक का अगर आप बदला नहीं लेते हैं तो आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपका नाम ख़राब होता है। तो बीते कुछ सालों में इसराइल इतना ज़्यादा अटैक कर दिया है अपने एनिमी स्टेट के ऊपर कि कहीं ना कहीं उन सब देशों को अब ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि अगर वो अटैक नहीं करेंगे तो उनका एग्जिस्टेंस खतरे में हो जाएगा। तो अगर आप कहीं पे भी अगर आप एक्सेसिव अगर आप प्रेशर क्रिएट करते हैं तो चांसेस ये भी होता है कि वो बैकफायर कर जाए। और ये अगेन ये जिस तरीके से यूएस सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, जब मैं इसराइल कह रहा हूँ तो आप ये मत समझिए कि इसराइल एज एन कंट्री हर कोई बेंजामिन नेतन्याहू को ही सपोर्ट कर रहा। मल्टीपल ऐसे वॉइसेस उठ रहे हैं जहाँ पे लोग डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि जो पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये कंप्लीट तरीके से इसराइल एज एन कंट्री के खिलाफ है। और उसके बाद अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आप लोग ये बहुत सुने होंगे कि यूएस और उसके जो पार्टनर कंट्रीज़ होते हैं वो सेल्फ डिफेंस वर्ड का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये हुआ कि वो किसी भी देश के ऊपर अटैक करके ये बोल देंगे कि वो सामने वाला देश हमारे पे अटैक करने वाला था, इसलिए हम लोगों ने जो अटैक किया वो एक्चुअली अटैक नहीं था बल्कि वो सेल्फ डिफेंस था। तो ये वही हो गया कि अटैक इन एंटिसिपेशन इज़ नॉट डिफेंस। और अगर आप सेम फार्मूला का इस्तेमाल अगर आप हर बार करते रहेंगे तो एक जो थ्रेशहोल्ड होता है वो पार हो जाता है। और जहां तक अगर आप बात करें इसराइल एज एन कंट्री के बारे में, तो कोई भी देश अगर बहुत दिनों तक अगर वॉर में रहता है तो उस देश का जो एटमॉस्फेयर होता है वो ख़राब हो जाता है। और जो प्रेजेंट सिचुएशन हो रखा है इसराइल में वो कुछ ऐसा ही है कि वहाँ के जो कॉमन सिविलियंस है वो इस पूरे घटना से काफ़ी फेडअप हो चुके हैं और इसराइल एज एन कंट्री का जो इकॉनमी है वो भी डिक्लाइन करना शुरू हो गया है। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो हिजबुल्ला के पास किस टाइप के वेपन्स वगैरह या रॉकेट्स वगैरह हैं, तो जो नॉर्मल मीडिया में रिपोर्ट है उसके हिसाब से यही है कि हिजबुल्ला के पास बहुत ज़्यादा एडवांस रॉकेट्स वगैरह या प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स वगैरह या रॉकेट्स वगैरह नहीं है। लेकिन जब मैं नहीं कह रहा हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास आज भी नहीं है। बीते 2.5-3 सालों में हिजबुल्ला को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया गया है रशिया के द्वारा, काफ़ी हद तक सपोर्ट किया गया है ईरान के द्वारा। और ये सब जो एक्सचेंज ऑफ वेपन्स हो रहा है ये इसीलिए हो रहा क्योंकि यूएस बहुत ही अजीब तरीके से इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। जब मैं अजीब कह रहा हूँ तो यूएस को ये समझना चाहिए कि अगर आप इस हद तक अगर आप जाकर सपोर्ट करेंगे इसराइल को और इसराइल का हर अटैक के बाद अगर आप यही कहेंगे कि जो इसराइल ने किया वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया, तो आपका जो ये जो एक्सक्यूज़ होता है इसको लोग एक टाइम के बाद ख़रीदना बंद कर देंगे। और जो ग्राउंड रियलिटी कह रहा वो यही कह रहा कि लोग यूएस में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में जहाँ पर ज्यूइश कम्युनिटी रहते हैं उनके ऊपर भी अटैक्स हो रहा। कोई ऐसे ज्यूइश फैमिली रह रहे होंगे जो जर्मनी में रह रहे होंगे और जिनका इस वॉर से कोई लेना देना ही नहीं है, और वो ये भी हो सकता है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू के जो पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। लेकिन जनरल एक पब्लिक परसेप्शन यही होता है कि क्योंकि ये ज्यूइश है तो डेफिनेटली ये बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे होंगे, तो इसीलिए भी क्या होता है कि उनके खिलाफ जो हेट्रेड है वो बढ़ जाता है। और बाकायदा मल्टीपल ऐसे रिपोर्ट्स पब्लिश हुए हैं जहां पे ये बताया गया है कि बीते एक सालों में जो एंटी ज्यूइश फीलिंग्स है वो काफ़ी बढ़ा है। तो बेंजामिन नेतन्याहू पर्सनली, उनको कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन उनके वजह से जो कॉमन सिविलियंस है यानी कि जो ज्यूइश कम्युनिटी के लोग हैं उनको डेफिनेटली नुकसान हो रहा है। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो मामला है या जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है ये किस तरीके से थमेगा और यूएस का इसमें क्या रोल रहेगा। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।